Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्यान नंबर 16 में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को जिसको हम बोलते हैं मानव संसाधन लेखांकन चलिए जानते हैं आज के इस व्याख्यान में हमारे चर्चा के क्या विषय रहेंगे किन बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिचय से मानव संसाधन लेखांकन की परिभाषा क्या है उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके साथ ही हम जानेंगे मानव संसाधन लेखांकन की वृद्धि और विकास किस प्रकार से हुई इसके बाद हम बात करेंगे मानव संसाधन लेखांकन की अवधारणाएँ है, क्या हैं क्या कंसेप्ट है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे हम बात करेंगे मानव संसाधन लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्व को क्यों ये ज़रूरी है किसी भी संगठन में होना इसके होने से क्या आवश्यकताएँ पूरी होती हैं इस विषय पर हम बात करेंगे इसके साथ ही हम जानेंगे मानव संसाधन लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं किस ऑब्जेक्टिव के साथ किन उद्देशों के साथ इनको संगठन में आ, किया जाता है मानव संसाधन मूल्यांकन मॉडल्स क्या हैं किस तरीके से इसको हम वैल्यू करते हैं इसको हम वैल्यूएशन के क्या हमारे मेथड्स और मॉडल हैं भारत में मानव संसाधन रिपोर्टिंग का क्या स्टेटस है इसकी क्या पोजीशन है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करेंगे और इसके साथ ही हम बात करेंगे एच आर ए रिपोर्टिंग में समस्याएं क्या आती हैं जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग करते हैं या उनका लेखांकन करते हैं तो किन किन समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ता है या किन समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है इन सब विषयों पर हम आज के व्याख्यान में चर्चा करेंगे इसके साथ ही आप जान लीजिए कि आज के व्याख्यान से आपको क्या उद्देश्य पूरे होंगे किन ऑब्जेक्टिव्स को आप अटेन कर पाएंगे सबसे पहले आप जान पाएंगे मानव संसाधन लेखांकन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं उसके बाद ही आप जान पाएंगे मानव संसाधन लेखांकन के विभिन्न विकास चरणों की वृगीकृत कैसे करें कैसे हम क्लासिफाई करें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी साथ ही आप जान पाएंगे मानव संसाधन लेखन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में आप इस व्याख्यान के अंत में जान पाएंगे कि क्यों हम इसको अपने संगठनों में करते हैं और इसके होने से हमारी क्या क्या ज़रूरतें पूरी होती हैं उसके साथ ही आपको मानव संसाधन लेखांकन के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी होएगी और विभिन्न एच मूल्यांकन मॉडल को आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से संगठन अपने मानव संसाधन के मूल्यांकन को करते हैं उनकी वैल्यूएशन करते हैं और उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से इंट्रोडक्शन से हम इसके बारे में बात करेंगे किसी भी संगठन का कुल मूल अनिवार्य रूप से उनके कर्मचारियों के कौशल सेट और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संगठन में बहुत बड़ा महत्व रहता है मानव संसाधन का किसी भी रिसोर्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते विदाउट दिस ह्यूमन रिसोर्स तो हम सभी जानते हैं कि एक मानव जो संसाधन है वो किसी भी व्यापार के लिए किसी भी संगठन के लिए क्या एक भूमिका निभाता है इसलिए इन संगठनों का अस्तित्व तो उनके मानव संसाधनों की गुणवत्ता उनके ज्ञान उनके विशेषज्ञता, क्षमता और संगठनात्मक संस्कृति की धारणा पर निर्भर करता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका जो सर्वाइवल है उसका किस पर डिपेंड करेगा द क्वालिटी ऑफ पीपल दे आर हैविंग किस तरीके के कर्मचारी उनके यहाँ कार्य कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है उनकी कैसी नॉलेज है उनके एक्सपर्टाइज़ क्या है किन किन चीज़ों में वो बेहतर हैं उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और परसेप्शन ऑफ़ दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और वो अपने जो संगठन के कल्चर है उसकी संस्कृति के बारे में किस प्रकार की धारणाएं रखते हैं तो कोई भी संस्थान जो है वो इस बात पे बहुत हद तक जोर देती है और समझदारी से कार्य करती है कि उसके लिए उसके मानव संसाधन के महत्व क्या हैं और किस प्रकार से उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में हम वैल्यू करते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं और उनकी ना होने से हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो ये बहुत ज़रूरी है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों को किसी संगठन के कुल मूल के केंद्रीय भाग के रूप में मान्यता दी जाए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंट्रल पार्ट की तरह से ट्रीट करें उन्हें उतनी वर्थ और वैल्यू दें ताकि उनको हम रिस्पेक्ट कर सकें और उनको सेटिस्फाई कर सकें जिस प्रकार से वो कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएँ अगर हम मानव संसाधन के लेखांकन की और वृद्धि विकास के बारे में बात करें तो हम कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स आउटकम इज़ द आउटकम ऑफ न्यूमरस रिसर्च स्टडीज़ कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंस ये जो मानव संसाधन मूल्यांकन का या लेखांकन का जो प्रक्रिया आई है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च और स्टडीज़ करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे जब हम अकाउंटिंग की और फिनेंस की कैलकुलेशन करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने मानव संसाधनों को आ, इसकी एक अकाउंटिंग करनी चाहिए या उसका किस प्रकार से हमें लेखांकन करना चाहिए तो ह्यूमन रिसोर्स एंड एसेस इफ पोजिशन एंड नर्चर इन द राइट डायरेक्शन में रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल तो किसी भी संगठन में अगर आप अपने कर्मचारियों को सही दिशा दिखाते हैं और सही दिशा में उनको ग्रोथ करते हैं उनका डेवलपमेंट अगर सही प्रकार से हो रहा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको बेहतर कार्य करने में वो मदद करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ अचीव कर पाएंगे तो किस प्रकार से हम उनको ट्रीट कर रहे हैं कैसे हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है उस बात पे आपके संगठन का जो आगे सक्सेस है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है उन्होंने इसी बात की वकालत की कि मानव संसाधन के विकास पर किए गए किसी भी खर्च को या पूंजी व्यय को रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि लंबे समय में ये लाभ देता है जैसे मौद्रिक संबंध में मापा जा सकता है तो हमने जैसे बात की थी शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि आज के दौर में हम अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपना खर्चा करते हैं मानव संसाधन के विकास के लिए उसको हम खर्चा ना मान के एक इन्वेस्टमेंट माने क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बाद में रिटर्न देता है तो आज के समय में ये भी देखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कि आपने अपने कर्मचारियों पे उनके विकास के लिए उनकी वृद्धि के लिए किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिला है उस पूरे का जो एक विवरण आप करते हैं उसी को हम मानव संसाधन लेखांकन में पढ़ेंगे तो ह्यूमन जो इन्वेस्टमेंट्स है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको अब यहाँ पर एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे आपको कितना रिटर्न मिला और आपके लिए वो कितना बेहतर साबित हुआ और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनपे इन्वेस्टमेंट करें अगर आप उनमें सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही सक्सेस दिलाने में मदद कर रहे हैं तो अब हम बात कर रहे हैं आ, कुछ स्टेजेस की कि, कि किस प्रकार से ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ हमारे देश में किस प्रकार से हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्वैरिक फिल्म हॉल्स के हिसाब से उन्होंने इन पांच स्टेजेस में इनको बांटा है और वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ तो जो परम चरण है फर्स्ट स्टेज है जो 1960 से लेके सड़सठ से सड़सठ तक चली और उसने बताया कि ये सिम्बलाइज किया द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वेअर द फोकस वॉज टू डिराइव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग फ्रॉम दी अदर स्टडीज़ लाइक इकोनॉमिक्स तो ये वाला जो चरण था पहला स्टेज था इसमें इसके इस कंसेप्ट का इंसेप्शन हुआ आप ये मान लीजिए जिसमें ये कहा गया कि जैसे हम और आ, आ, अन्य विषयों पर आ, जैसे हम डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स में फिनेंस में हम अपनी अकाउंटिंग और कॉस्ट और बेनिफिट्स को एनालाइज़ करते हैं उसी प्रकार से हमें मानव संसाधन लेखांकन का भी एक स्टडी करनी चाहिए कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी हैं उन पर किस प्रकार से हम खर्चा करते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं और उसका हमको किस प्रकार से रिटर्न मिलता है दूसरा जब चरण शुरू हुआ जो कि 1966 से 71 तक चला इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो असेस करे कुछ मॉडलों को कुछ कुछ नीतियों का तैयारी करे कुछ मेथड्स की तैयारी करे जिसके प्रकार से हम जिस हिसाब से हम अपने मानव संसाधन अकाउंटिंग का लेखांकन कर सकें तो यहाँ पर ही हमारे दो मेथड्स को हमने स्टडी किया जिसमें कॉस्ट मॉडल मॉनिट्री एंड नॉन मॉनिट्री वैल्यूज़ ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पर कंसिडर किया इनिशियल स्टेजेज़ में जो अवेलेबल तरीके थे उनको खोजा गया कि किस प्रकार से हम अपने किए गए इन्वेस्टमेंट्स के मूल्यांकन को कर सकते हैं ताकि हम ये देख सकें कि उसके हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न मिला है या नहीं मिला है जो उसका तीसरा चरण है जो शुरू हुआ 1971 से 76 तक चला उसमें ये नोटिसेबल सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ग्रू लीडिंग टू दी नंबर ऑफ़ रिसर्चर इन दी फील्ड एंड दोकल पॉइंट वॉज दी एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो इस दौरान जो था वो बेसिकली ये कंसिडर किया गया कि इसको एक बहुत ज़्यादा एक एक, एक मान्यता प्राप्त हो गई थी जो संगठन थे वो अपने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मैथड्स मिल गए थे कि किस प्रकार से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को कर सकते हैं दूसरे चरण में हमारे पास उस तरीके के मैथड्स आ गए थे जिनको आगे यहाँ पर इस्तेमाल करके उन्होंने अपने संगठनों में ये जानकारी लेना शुरू किया कि किस प्रकार से उनके जो असेट हैं ह्यूमन रिसोर्स एज एन असेट जिनको वो ट्रीट कर रहे हैं वो उनको कितना बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बाद हमारा चौथा चरण आया जिसको कि हम फोर्थ स्टेज का नाम दे रहे हैं जो 1976 से 80 तक के पीरियड्स uh, तक चला और इस पीरियड ने देखा कि कैसे सॉ दी कोलेप्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट प्रिपेयर टू इन्वेस्ट टाइम एनर्जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दी फंड नीडेड टू रिसर्च फर्दर डीप इन टू दी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेज में ये देखा गया या स्टेज में देखा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही थी कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इस पर कार्य किया लेकिन बहुत हद तक जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इसमें अपना ना तो समय दे पा रही थी दे वर नॉट प्रिपेयर टू इन्वेस्ट देयर टाइम अपना एनर्जी भी वो नहीं लगाना ना पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनके पास इतने फ़ंड्स भी नहीं थे या कि वो उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उसको फर्दर और फाइंड आउट करने के लिए उस पर अपना समय लगाएं अपना पैसा खर्च करें तो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाई और ये यहाँ पर कोलैप्स होता हुआ नज़र आया लेकिन उसके बाद जब पाँचवा चरण आया फिफ्थ स्टेज की जब हम बात कर रहे हैं जो 1980 के ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ द एक्सप्लोजन ऑफ सर्विस इकोनमीज इन दी डेवलप कंट्रीज वॉट अबाउट अ रिन्यूअल ऑफ इंटरेस्ट इन द्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड फर्दर इन दी मिड नाइन्टीज़ द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग टू द बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेट ग्रेटर इम्पेटस बेसिकली अब यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमीज की जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें इसको दोबारा से लाया गया और दोबारा से लाने के बाद इसमें ये स्थापित किया गया कि ये ज़रूरी है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैलकुलेट करें वो ये देखें कि उनके जो कर्मचारी हैं उन पर जो ख़र्चा हो रहा है वो उस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस को उतना रिटर्न दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं तो इस कंसेप्ट का मिड नाइन्टीज़ में दोबारा से एप्लीकेशन शुरू शुरू किया गया और आज के समय ये बहुत ही प्रचलित पला तरीके से कार्य कर रहा है और ज़्यादातर सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की तरफ कार्य करती हैं क्योंकि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स वो करते हैं अपने कर्मचारी के विकास में उनकी ट्रेनिंग देने में तो वो ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से संगठन उन पर खर्चा कर रही हैं उतना लाभ उन संगठनों को हो अब हम बात करेंगे कंसेप्ट की मानव संसाधन लेखांकन की अवधारणाएँ है, क्या हैं किस कंसेप्ट ये कार्य करता है तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है वो आई बेकर uh, ने दी है वो डिफाइन करते हैं एच आर ए इज़ अ टर्म अप्लाइड बाई दी अकाउंटेंसी प्रोफेशनल टू क्वान्टिफाई दी कॉस्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ़ एम्प्लॉज टू देयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन तो ये बेसिकली एक अकाउंटेंसी प्रोफेशन है जिसमें आप पूरी तरीके से उनकी उन पर की गई लागत और उनसे मिले हुए लाभ के बारे में आप एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि किस किस रूप पे आपने उन पर खर्चा किया स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग जिसमें आपका रिक्रूटमेंट शामिल होता है फिर उनके सिलेक्शन में उनके प्लेसमेंट में उनके ओरिएंटेशन में उनके ट्रेनिंग उनके डेवलपमेंट में जिस प्रकार से आप जो भी खर्चा कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी लाभ उन्होंने संगठन को दिए हैं उसका एक पूरा एक अकाउंटिंग कैलकुलेशन करते हैं इस प्रकार से इसको ये डिफाइन करते हैं एम एन बेकर आगे अगर हम बात करें प्रोफेसर डेविड सन की डेफिनेशन की तो वो ये कहते हैं कि मानव संसाधन लेखांकन शब्द का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कंपनियों की कमाई प्रक्रिया और कुल संपत्ति में मानव संसाधन में जानकर प्रशिक्षित और वफ़ादार कर्मचारियों के महत्व को रिपोर्ट करने और जोर देने का प्रयास करते हैं सो बेसिकली ये जो टर्म है उसको डिफाइन किया जाता है वैरायटी ऑफ प्रपोजर्स के लिए जिसमें कि आप रिपोर्ट और एक एनालाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स एक्नोलिजेबल को ट्रेंड लॉयल एम्प्लॉयज़ को इन दी ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग प्रोसेस एंड द टोटल असेट आपके संगठनों में किस प्रकार से ये कमाई करने में और एक असेट के फॉर्म में ये कार्य करता है जिससे कि आप एक बेहतर रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं आगे बात करेंगे हम एचआरए की विशेषताओं के बारे में इसके फीचर्स के बारे में अगर हम समझें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि आपको वैल्यूएशन निकाल के देता है जो आपके यहां कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या मानव संसाधन कार्य कर रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है कितनी वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग देयर कॉस्ट एज वेल एज दी बेनिफिट दे हैव गिवन टू दी ऑर्गेनाइजेशन इसे हिसाब किताब में दर्ज करना है जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसका हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिसमें हम इस प्रकार की सारी कैलकुलेशन करते हैं उन पर किए गए खर्चे और उनसे मिले हुए लाभ के बारे में हम लिखते हैं तो ये एक तरीके का आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है इनका और तीसरा इसमें कहते हैं डिस्कलोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दी फिनेशियल स्टेटमेंट और जो भी हमने बुक ऑफ अकाउंट्स में इसमें मेंशन किया है जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं हमारे पास दो साइड्स होते हैं एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड उसी प्रकार से वित्तीय विवरण में इसकी जानकारी का खुलासा किया जाता है ताकि हम पूर्णतः तरीके से ये कैलकुलेट कर सकें और ये हिसाब लगा सकें कि संगठनों में मानव संसाधन के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है उसका क्या वैल्यूएशन रहा क्या रिजल्ट निकल के आया और कित किस प्रकार से संगठनों ने उसका लाभ लिया है आगे हम इसके इम्पॉर्टेंस और नीड्स की बात करते हैं मानव संसाधन की आवश्यकता और महत्व क्या है किसी भी संगठन में क्यों इसका होना ज़रूरी है या क्यों एक एम्प्लॉयर को नियुक्तकर्ता को इसका हिसाब किताब रखना चाहिए सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन एक्वायरिंग प्लेसिंग एंड मेकिंग इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जब उनको मालूम होगा अगर नियुक्तकर्ता इस बात की जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार से मानव संसाधन के विकास के लिए संगठन जो है एक तरीके का खर्चा करता है उस पर इन्वेस्टमेंट करता है क्या उतना उस प्रकार से उनसे कार्य कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिसोर्सेज का चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो कोई और प्रकार का रिसोर्स हो अगर आप उनका इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने संगठन की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं अपनी लागत को आप बढ़ा रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बात को समझना उसका वैल्यूएशन करना कि कितना आप खर्चा कर रहे हैं और क्या उस खर्चे के हिसाब से आप उनका प्लेसमेंट सही प्रकार से कर रहे हैं उनको सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ निर्वाह करने के लिए दे रहे हैं ताकि उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके दूसरा आपको ये मदद करेगा आपके जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं जो केपेबल इम्प्लॉयज़ हैं उन्हें संगठन में लंबे समय तक रोकने के लिए क्योंकि आप इसकी जानकारी निकाल पाएंगे आपको इस बात का आइडिया लग पाएगा कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयिज़ आपको रिटर्न दे रहे हैं और जो बेहतर रिटर्न दे रहे हैं उनको आपको कितना लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े रखना है संगठन के साथ बनाए रखना है किस प्रकार से उनकी और सुख सुविधाएं को बढ़ाना है या वेतन में वृद्धि लानी है अगर वो अच्छा रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे रहे हैं तो आप अपने क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को लंबे समय तक अपने संगठन के साथ जोड़े रहने में यहाँ पर सक्षम हो पाएंगे आप आपको वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके यहाँ पर कौन से बेहतर एम्प्लॉयज़ हैं जो आपको बेहतर रिटर्न दे रहे हैं इट एड्स इन डिसाइडिंग ट्रांसफ़र प्रमोशन एंड ट्रेनिंग और ये ये लेने में भी डिसीजंस uh, लेने में मदद करता है कि किस इम्प्लॉयी कि का या किस कर्मचारी का आपको प्रमोशन करना चाहिए किसको आपको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए उनके उनके वैल्यूशन को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनके कार की एक एनालिसिस जो परफॉर्मेंस अंडरस्टैंडिंग uh, है उसकी वो भी आपको मिल पाती है अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्लॉय uh, अच्छे से नहीं कर पा रहा है या उसको किसी ट्रेनिंग की डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वो सारे डिसीजंस भी आप इसके द्वारा ले सकते हैं क्योंकि आपके पास एक रेडली अवेलेबल गाइड हो जाएगी जिसके द्वारा आप बहुत सारे डिसीजंस को ले पाएंगे इट सर्व एज अ टूल टू मेजर एंड कंपेयर द एक्सपेंडिचर इन करट फॉर इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग टू इम्प्लॉयज़ एंड इन टर्न द बेनिफिट ड्राइव्स बाय द फॉर्म तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक नीड है और अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम शुरुआत से बात कर रहे हैं ये इसीलिए किया जाता है ताकि आपको पता चले और ये इस बात की आप जानकारी रख सकें कि आपके द्वारा किए गए खर्चे पर जो भी एक्सपेंडिचर आप इनकर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉज़ को ट्रेनिंग देने में या उनके डेवलपमेंट के लिए क्या उस प्रकार से उनको उन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से मुनाफा हुआ क्या वो संगठनों को उतना लाभ दे पाए या नहीं दे पाए उसके बारे में आप पूरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव दी प्रोफाइल ऑफ़ दी एंटरप्राइज एंड इट्स इमेज अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का जो स्टेटमेंट है अगर वो अच्छा आ रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोफाइल है वो भी इससे बेहतर बनेगा और आपकी जो इमेज है वो भी बेहतर होगी क्योंकि इसमें आप इस बात का पूरी तरह से खुलासा कर पा रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर रहे हैं और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से मिल रहा है आगे बात करते हैं उद्देश्यों की मानव संसाधन लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं सबसे पहला उद्देश्य ये है कि ये चाहते हैं मानव संसाधन के निवेश द्वारा प्रबंधन में सुधार आए वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार की जो भी प्रक्रिया संगठन में की जा रही है उससे ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट हो इम्प्रूव मैनेजमेंट बाय इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स आप अपने कर्मचारियों में स्वाभाविक सी बात है तभी खर्चा करते हैं या कोई भी कॉस्ट आप किसी भी प्रकार की संगठन में इसीलिए इनकर करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके प्रोसेस में आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो और मैनेजमेंट आपका बेटर हो सके जनता को अपनी संपत्ति समझें यह इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज को एज एन असेट कंसीडर करें उनको आप लाइबिलिटी की तरह से कंसीडर नहीं करें अगर आप उनको असेट की तरह कंसीडर करेंगे ट्वीट करेंगे तो वो भी अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आप भी डिसीजन मेकिंग उनके प्रति सही तरीके से ले पाएंगे योग्य लोगों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जाती है जैसा कि हमने पहले भी बात करी इसके द्वारा आपको पता चलता है कि आपके संगठन के कर्मचारी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो आपके जो योग्य कर्मचारी हैं उनको आप लंबे समय तक अपनी संगठन से जोड़े रख सकते हैं और भी बहुत उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स या इस तरीके के बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करके और जब आप अपने कर्मचारियों पे जो आपके आकार कर रहे हैं उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं उनको बेहतर सुविधाएं देते हैं उनके इम्प्रूवमेंट्स उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स पे जब आप खर्चा करते हैं तो ये सारी प्रक्रिया आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को भी आपके संगठन के प्रति आकर्षित करता है वृत्त दृष्टि से संगठन की रूपरेखा तैयार करें प्रोफाइल दी ऑर्गेनाइजेशन इन दी फाइनेंशियल टर्म यह आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको फाइनेंशियल टर्म्स में प्रेजेंट करने में भी मदद करता है इसके पीछे ये भी उद्देश्य है कि आप पूरा प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि, कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है और उस खर्चे को आप किस लिए कर रहे हैं उससे क्या लाभ आपको आगे फ्यूचर में जाके मिलेगा अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन मॉडल्स की जो मेथड्स हमने जिसके बारे में शुरुआत में बात की थी कि ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन के क्या क्या मॉडल्स हैं इसमें हमारे पास तीन प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे मौद्रिक मॉडल्स की जिसमें मॉनिटरी मॉडल्स आते हैं फिर गैर मौद्रिक मॉडल्स जिनको कि हम नॉन मॉनिटरी मॉडल्स कहते हैं और उसके बाद है हमारे स्टैटिस्टिकल बेस मॉडल तो शुरुआत करते हैं मॉनिटरी मॉडल से मॉनिटरी मॉडल्स में भी फर्दर हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाएँ हैं या मॉडल्स या मैथड्स आप उनको कह सकते हैं मॉनेटरी मॉडल्स को हमने यहाँ पे दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स की उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू बेस्ड मॉडल की कॉस्ट बेस्ड मॉडल्स में हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल है और स्टैंडर्ड कॉस्ट मॉडल है इसके साथ ही जब हम वैल्यू बेस्ड मॉडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रकार से हैं जिसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल के बारे में बात करेंगे फ्लैम्स कुछ स्कूचस्टिक रिवॉर्ड्स एवैल्यूशन मॉडल की बात करेंगे और डी डॉक्टर एस के चक्रवर्ती मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे तो शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल मैथड से जो कि हमारा कॉस्ट बेस्ड मैथड है इस मैथड को डेवलप किया था विलियम सी पाइले आर ली ब्रमेट और एरिक जी फ्लैमहॉट्स ने ये कहते हैं कि ये जो मेथड है ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है जिसको कि हम आउटले कॉस्ट मेथड भी कहते हैं इस पद्धति में संगठन के मानव संसाधन की भर्ती उसका चयन उसकी नियुक्ति उसका प्रशिक्षण और विकास पर होने वाली वास्तविक लागत को मानव संसाधनों के उपेक्षित उपयोगी जीवन पर पूंजीकृत और परिशोषित किया जाता है तो बेसिकली ये सिंपल सा मेथड है और बहुत पुराना मेथड है जिसमें कि आप क्या करते हैं आपके कर्मचारियों पे मानव संसाधन पे जो भी आपने खर्चा किया है शुरुआत से लेके चाहे वो भर्ती का हो चाहे वो चयन का हो चाहे वो नियुक्ति का हो चाहे वो प्रशिक्षण का हो किसी भी प्रकार के जो भी आपने उनके ऊपर खर्चे किए हैं उसको आप क्या करते हैं एक पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर देते हैं उसको आप नोट कर लेते हैं और उसको धीरे 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 करके आप एमोटाइज करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने लंबे समय तक वो कर्मचारी आपके साथ संगठन में बना रहता है तो ये एक सिंपल सा मेथड है इसके अगर हम आगे बात करें कंटिन्यू करें इसी मेटल को तो हम कहते हैं यदि मानव संपत्ति का परिसंपापन समय से पहले किया जाता है तो बट्टे खाते में नहीं डाली गई पूरी राशि उस वर्ष में आय से ली जाती है जिस वर्ष संपत्ति का परिपासन किया जाता है बेसिकली ह्यूमन असेट क्या है लिक्विडेट हो जाता है अगर प्री मैच्योरली आपने क्या किया एक बजट तैयार कर लिया एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का कि आप आप उस पर किस प्रकार से कितना कितना खर्चा करते हैं और एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये जो एम्प्लॉई है जिसको आपने हायर किया है वो कितने लंबे समय तक आपके संगठन से जुड़ा रहेगा तो अगर वो अच्छे लंबे समय तक उतने समय तक जुड़ा रहता है जितने समय तक आपने उसका एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं या जो भी आपने पहले से कैलकुलेट किया है तो आप धीरे 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 करके वो अमाउंट जो है मोटाइज करते रहते हैं लेकिन मान लीजिए अगर किसी वजह से वो कर्मचारी पहले छोड़ देता है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो आपके साथ पाँच साल तक या सात साल तक जुड़ा रहेगा और मान लीजिए वो किसी वजह से आपके संगठन को दो या तीन साल बाद ही छोड़ देता है तो यहाँ पर उसको लिक्विडेट करने में बाद में दिक्कत आती है किस किस प्रकार से आप उसके अमाउंट को यहाँ पर डिडक्ट करेंगे तो यदि उपयोगी जीवन के मूल रूप से अपेक्षित से अधिक लंबा माना जाता है तो परिशोधन अनुसूची में संशोधन प्रभावित होता है अगर उसकी जो लाइफ है वो लॉन्गर हो जाती है तो ओरिजिनल एक्सपेक्टेड रिविजन आर अफेक्टेड इन दी अमोटाइजेशन शेड्यूल और अगर वो पहले छोड़ जाता है तो उसके लिक्विडेशन में फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सो दी अनएक्सपायर्ड वैल्यू इज शोन इन दी बैलेंस शीट एज दी इन्वेस्टमेंट्स इन दी ह्यूमन असेट तो आप क्या करते हैं उसकी अनएक्सपायर्ड वैल्यू को अगर वो पहले छोड़ के चला गया है तो वो कहीं ना कहीं आप उसको इन्वेस्टमेंट्स को शो करते हैं जो आपने अपने मानव संसाधनों पर खर्च किया है अगर हम इस मैथड uh, का इस मॉडल का एडवांटेज देखें मेरिट्स देखें तो हम कहते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है सरल विधि है इसमें बहुत ज़्यादा कोई हमें परेशानी नहीं होती है कैलकुलेट करने में दूसरा हम कहते हैं इस पद्धति का उपयोग मानव संसाधन के निवेश पर रिटर्न का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इवेल्युएट कर सकें कि हम जो भी अपने संसाधनों पर मानव संसाधनों पर खर्चा कर रहे हैं उसका आर हमें कैसे मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमें कितना मिल रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते हैं और दिस मैथड इज़ रादर ऑब्जेक्टिव रादर देन बींग सब्जेक्टिव ये जो मैथड है वो uh, व्यापारिक स्तर पर ना होकर विशिष्ट निधि पर uh, ये निर्धारित रहता है तो ये हमारा बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैथड है इसमें ऑब्जेक्टिविटी की थोड़ी कमी है आगे बात करते हैं लिमिटेशन्स की इस मैथड की एक्यूरेट मेजरमेंट इससे पॉसिबल नहीं हो पाता सटीक माप संपन्न नहीं है इस मैथड के द्वारा हम कैलकुलेट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली exactly हम इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये कर्मचारी कंपनी में कितने वर्ष तक रहेगा ये एक, एक बहुत डिफिकल्ट सा यू नो कैलकुलेशन है जो हम इसमें जनरली अज्यूम करके चलते हैं कि कर्मचारी हमारे संगठन से कितने लंबे समय तक जुड़ा रहेगा इसको कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है इसीलिए इसके लिक्विडेशन में, में और में प्रॉब्लम्स आती हैं और इसीलिए अनुमान लगाने की समस्या है कि कितने वर्षों में पूंजीगत व्यय का परिशोधन किया जाएगा और इसी वजह से हम उसके जो किए गए खर्चा है उसके ऊपर उसका भी एक पहले से जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर हमने ज़्यादा कर लिया और वो जल्दी छोड़ गया तो हमें परेशानी होती और अगर हमने कम किया और वो लंबे समय तक हमसे जुड़ा रहा तो भी उसमें कहीं ना कहीं सही रिफ़्लेक्टेड फिगर्स नहीं आती हैं आगे बात करते हैं दूसरे मॉडल की जिसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल का नाम देते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल जो है वो डेवलप किया था तैयार किया था एरिक जी फिल्म ने अंडर दिस मैथड वैल्यू ऑफ दर्गनाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल सर्विस इज रिफ्लेक्टेड बाई दी अमाउंट दर्गनाइजेशन वुड हैव टू पे टू रिप्लेस दी सर्विसेज अगर आपको ये ये जो मॉडल है ये तब एप्लीकेबल होता है जब आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करते हैं किसी और नए इम्प्लॉयज़ के साथ तो जो रिप्लेसमेंट का खर्चा आता है जो उनके ऊपर किए गए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग उस पर आप फर्दर जो एक, एक, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप इसमें कंसिडर करते हैं जिसको कि हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल का नाम दे रहे हैं अगर हम बात करें इसके मेरिट्स की तो ये मानव संसाधन के वर्तमान मूल्य पर विचार करता है ये बेसिकली बात करता है कि आपके जो करंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या होगी क्योंकि आप जिनको कार्य करा रहे हैं उन पे आप कितना खर्चा कर रहे हैं और मान लीजिए इनको निकाल के या इनको रिप्लेस आप करते हैं इनके अलावा अगर आप किसी और को रखते हैं तो उनपे आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा क्योंकि अमूमन सी बात है आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी सिस्टम में कार्य कर रहे हैं उनको ट्रेंड किया जा चुका है वो समझ चुके हैं कि कार्य किस प्रकार से होना है और बजाय इसके अगर आप किसी नए कर्मचारी को लेकर आते हैं तो आपको पूरी तरह से उसको चीज़ें सिखानी पड़ेंगी बतानी पड़ेंगी सुपरविजन करना पड़ेगा उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो उससे लागत आपकी और बढ़ेगी तो आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी करेंट वैल्यू को ये बताता है इसके साथ ही इसका मैरिट ये है कि रिप्लेसमेंट कास्ट ऑफ प्रेजेंट ओरिएंटेड जो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो प्रेजेंट ओरिएंटेड है आप, आप ये कैलकुलेट करके चलते हैं कि प्रेजेंट्स में आप इसको किस तरह से निर्धारित करेंगे और आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो बेटर होती है हिस्टोरिक कॉस्ट से ये बेहतर तरीका है हिस्टोरिक कॉस्ट से जो हमने पहले पढ़ा उसको कैलकुलेट करने का ये बेहतर तकनीक है आगे अगर हम बात करें लिमिटेशन की देयर मे बी नो आइडेंटिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन बींग हम बल्कि ये सोच के चलते हैं कि हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं रिप्लेसमेंट हमारे पास एक ऑप्शन है जबकि हम देखें तो मानव संसाधन का कोई एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोगों की हम यहाँ पर किसी अदर रिसोर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो हमें सामान्य रूप से एक जैसी मिल सकती हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसका आप एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट कभी ढूंढ ही नहीं सकते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है उसकी पर्सनालिटी अलग है उसके काम करने का इसके सोचने का हर तरीका अलग होता है तो हमें एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं मिल पाएगा दूसरा हम कहते हैं दी वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट इज अफेक्टेड बाय बाई सब्जेक्टिव कंसीडरेशन जो प्रतिस्पर्धन लागत के आधार पर मानव संसाधनों का मूल्यांकन व्यापारिक विचार से भी प्रभावित होता है तो आपके जो सब्जेक्टिव कंसिडरेशन हैं उसके बेसिस पर भी इस मैथड पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल की यह विधि हेकियम ये जो बेसिकली हैक्म और जोन्स ने दी थी इस मेथड को यूज़ किया था इकोनॉमिक कंसेप्ट के बेसिस पे इसको तैयार किया था क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम बहुत हद तक समझने की कोशिश करते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कि हम अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करने के लिए जो हमने सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए जो हमारी कॉस्ट होती है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं हमारे पास दो चॉइसेस हैं तो डेफिनेटली हम उसमें से एक ही चॉइस करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकनॉमिक्स और उसी के ऊपर आधारित है ये हमारा मैथर्ड अवसर लागत विधि के अंतर्गत किसी कर्मचारी का उसके वैकल्पिक उपयोग में मूल्य निर्धारित किया जाता है तो हम क्या करते हैं इस अंडर दिस मैथड द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय इन हिज ऑल्टरनेटिव यूज इज डिटरमाइन हम उसकी कॉस्ट ये निकालते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है इस कार्य को ना करके अगर वो कोई और एक कार्य कर रहा होता तो उसकी कितनी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती तो उसकी ऑल्टरनेटिव कॉस्ट को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं एंड द वैल्यू इज टेकन एज दी बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंप्लॉयड बाई दी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी वैल्यू को हम इस प्रकार से निकालते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके संगठन में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी कितनी एस्टिमेटेड वैल्यू है एट दी प्रेजेंट वर्क विच दे आर परफॉर्मिंग आगे अगर हम इस मेथड के भी मेरिट्स uh, को देखें तो हम कहते हैं अवसर लागा दृष्टिकोण कमियों का अधिक स्टम आवंटन देता है ये जो अप्रोच है ये आपको मोर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ पर्सनल के बारे में बताता है कि आप इसको किस कार्य के इस्तेमाल कर रहे हैं और और क्या कार्य के लिए आप इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे क्या इसका प्लेसमेंट जो आपने किया है वो सही किया है या इसको अगर हम दूसरे कार्य पे प्लेस करते या दूसरे जॉब पे हम इसको प्लेस करते उस पर इसकी परफॉर्मेंस बेहतर आती तो आप उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और बाद में ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा आ रही है या उसकी अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा आ रही है अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो सही मामले में आपने उसका प्लेसमेंट सही किया है और आप अपने कर्मचारी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन अगर किसी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट कार्य वो संगठन में कर रहे हैं उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा एज़ कम्पेयर टू दी ऑल्टरनेटिव टास्क विच कुड हैव बीन गिवन टू दैम तो ये मानव संपत्ति के मूल्यांकन के लिए एकमात्र आधार प्रदान करता है क्वांटिटेटिव बेसिस के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप ह्यूमन एसेट्स को किस तरीके से आप इवेलुएट कर सकते हैं आगे अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो हम कहते हैं ये थोड़ा सा महंगा तरीका है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसको करने में हमें टाइम और कॉस्ट दोनों ही लगती है और मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ लेस तो अवसर लागत की विश्वसनीयता का माप थोड़ा सा कम है हम निकालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly हमें नहीं पता कि जो कॉस्ट हमने निकाली है वो एक्चुअल में उतनी ही आएगी या उसमें भी वेरिएशन हो सकता है इसके आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मैथड की जो डेविड वाटसन ने दिया था ये जो अप्रोच है वो डेविड वाटसन ने दी थी और इस मेथड में एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एज पर देयर हैरारिकल पोजीशन जो आपके संगठन में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको आप अलग अलग पोजीशन में जो आपने उनको जॉब्स दे रखी हैं उस हेरिकल ऑर्डर में आप उनको क्या करते हैं बांट देते हैं एंड देन दी स्टैंडर्ड कॉस्ट इज फिक्स फॉर ईच कैटेगरी एंड देन देयर वैल्यू इज कैलकुलेटेड तो आप क्या करते हैं कि आप जिस जिस पोजिशन में आपके इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जो हरार आपने डिफाइन की थी एक सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉज की एक हरारकी एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं उसका कॉस्ट बना लेते हैं कि इस पर आप इस पर्टिकुलर पोजिशन पर आप इतनी कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो इससे आपके एम्प्लॉज को इतना रिटर्न देना चाहिए एंड दी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग प्लेसिंग ट्रेनिंग डेवलपिंग पर ग्रेड ऑफ एम्प्लॉयज डेवलप एंड स्टैबलिश एंड मेड अप टू डेट एवरी ईयर तो आप एक कैलकुलेट करते जाते हैं हर बारी कि आप उस पर्टिकुलर पोजिशन जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें आप कितना खर्चा करते हैं चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो चाहे सेलेक्शन का हो चाहे प्लेसमेंट का हो चाहे ट्रेनिंग का हो चाहे डेवलपमेंट का हो हर साल आप उसको अपग्रेड करते रहते हैं अपडेट करते रहते हैं और ये जो मैथड है आपको पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहती है क्योंकि आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड आप उसका मैंटेन कर रहे हैं हर पोजिशन वाइज आप उसको मैंटेन कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि उस पोजीशन से आपके संगठन में कितना लाभ हो रहा है वो जो एम्प्लॉय है वो जो इंडिविजुअल है वो कितना कार्य बेहतर तरीके से कर पा रहा है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट चार्ट आपका इस तरीके से है आपने अलग अलग कैटेगरीज आप इसमें बना लेते हैं जैसे आप निकालते हैं कि उसकी एक्विजीशन कॉस्ट कितनी है लर्निंग कॉस्ट पे आप क्या खर्चा कर रहे हैं और सेपरेशन कॉस्ट पे आप किस प्रकार से आपका खर्चा हो रहा है तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं जैसे रिक्रूटमेंट एक्विजीशन कॉस्ट में आप रिक्रूटमेंट करते हैं सिलेक्शन करते हैं उसके हायरिंग पे खर्चा करते हैं उसके प्लेसमेंट पे उसके प्रमोशन पे उसके ट्रांसफर पे तो हर एक जॉब का ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि एक्विजीशन पे कितना खर्चा हुआ उनके लर्निंग पे कितना खर्चा हुआ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे क्या खर्चा कर रहे हैं आप और जब वो चले जाते हैं सेपरेशन पे जो होती है आप आ, आपको जब कोई नया कर्मचारी ढूंढना पड़ता है मान लीजिए कोई छोड़ गया और छोड़ने के बाद जब आप नया कर्मचारी ढूंढते हैं तो जो वो पोजीशन वैकेंट रहती है उसको सर्च करने में उसको ढूंढने में जो आपकी लॉस ऑफ एफिशिएंसी है उसको भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो आपके एक पूरी अंडरस्टैंडिंग ये दे देता है कि आपने क्या खर्चा किया और टाइम टू टाइम आप उसको जब अपडेट करते रहते हैं तो आपको उसको कैलकुलेट करने में आसानी रहती है इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ फ्यूचर अर्निंग मॉडल की हमारे जो कॉस्ट बेस्ड मॉडल थे वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं अब हम नेक्स्ट जो कैटेगरी में मूव कर गए हैं वो है हमारे वैल्यू बेस्ड मॉडल ठीक है तो वैल्यू बेस्ड मॉडल में हमारा जो सबसे पहला मॉडल है जिसको हम नाम दे रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ फ्यूचर अर्निंग मॉडल और इस मॉडल को सजेस्ट किया था ब्रैच लेव और आबास्क्रूबार्टस ने तो वो ये कहते हैं कि ये जो मॉडल है इसको कंपनसेशन मॉडल भी कहते हैं और ये निकालता है कि आपके एम्प्लॉय की प्रेजेंट वैल्यू क्या है कार्य करने की जो हम टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी में भी जैसे हम डिस्कस करते हैं कि आज के हमारे पैसे की जो कीमत है वो कितनी है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर या फ्यूचर में आने वाले पैसे की आज की समय पे कितनी कीमत है उसी प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर आर एम्प्लॉयज़ फॉर आर पीपल वर्किंग इन आर ऑर्गेनाइजेशन की उनकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग के बराबर कितनी होगी क्योंकि उन पर जो खर्चा किया जा रहा है वो आज के डेट पर किया जा रहा है और जो रिटर्न हमें मिलेगा वो बाद में मिलेगा यह स्वाभाविक सी बात है कि आज आप अपने एम्प्लाइज पे जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका तुरंत आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल जाएगा वो धीरे धीरे लंबे समय में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से उन्होंने उसका रिटर्न दिया है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी प्रेजेंट वैल्यू वी टेक द डिस्काउंट रेट एंड दिस डिस्काउंट रेट इज नॉर्मली द रेट विच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इस मैथड में बेसिकली हम क्या करते हैं अपने कर्मचारियों के ऊपर जो हमने खर्चा किया है या जो हम प्रेजेंट पे उनके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसको हम कंसीडर करते हैं फॉर द फ्यूचर वैल्यू और इसमें हम डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करते हैं और ये जो डिस्काउंट रेट है वो नॉर्मली वो रेट होता है जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ईच एम्प्लॉय इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड एफिशियंसी हर एक एम्प्लॉय को आप क्या करते हैं उसकी उम्र और उसके काम करने की एफिशियंसी के हिसाब से बांट लेते हैं और उसके बाद आप उनकी एक एवरेज इनकम को निकालते हैं कि हर एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ़ इंडिविजुअल्स की इम्प्लॉयज़ की एक एवरेज इनकम कितनी वो अर्न करते हैं फिर उसकी इनकम को कैलकुलेट करने के बाद आप डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के एज के हिसाब से इसका डेट ऑफ़ रिटायरमेंट कितना होगा फिर उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप ह्यूमन असेट्स ग्रुप को अराइव करते हैं बेसिकली आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपके द्वारा दिए गई जो भी इनकम आप खर्च कर रहे हैं उसके फ्यूचर में जाके उस पर आप कितना रिटर्न आपको मिलेगा जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने उसके ऊपर किए हैं तो इस प्रक्रिया के थ्रू आप क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं अगर हम इस मेथड के मैरिट्स को देखें इसके एडवांटेजेस को देखें तो ये जो मेथड है वो डिपेंड करता है फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉई जो एम्प्लॉई है आपकी उसके फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितनी है वो भविष्य में कितनी क्षमता रखता है कार्य करने की उसके बारे में आप इसको कैलकुलेट करते हैं दिस मैथड डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी सो दिस मैथड अपियर्स टू बी मोस्ट लॉजिकल क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट्स का हमें रिटर्न मिलता है वो फ्यूचर में जाके ही मिलता है तो फ्यूचर में क्या वो इंडिविजुअल उतना केपेबल बन पाएगा या उसकी फ्यूचर पोटेंशियल या कैपेबिलिटीज को हम इनहस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये मैथड जो है वो बहुत सूटेबल है लॉजिकल लगता है और डिस्काउंट रेट क्योंकि कौन सा कैपिटल पे निर्धारित रहता है तो ये भी एक यू नो कैलकुलेट करने का एक फेयर वे है क्योंकि आपने जो डिस्काउंट रेट यहाँ पे लिया है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लिया है जो कि एक फेयर कैलकुलेशन के लिए सही मापदंड है अगर हम डीमेरिट्स की बात करें इस मैथड्स की तो मैथड्स डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन दैट दी एम्प्लॉय लीव ऑर्गेनाइजेशन टू नंबर ऑफ रीजन और अदर देन डेथ एंड रिटायरमेंट यहाँ पर इस मेथड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम सारी चीज़ों को फ्यूचर से कैलकुलेट करके चल रहे हैं हम ये मान के चलते हैं कि ये कर्मचारी हमारे संगठन में लंबे समय तक जुड़ा रहेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने इस इन्वेस्टमेंट किया उसका हमें बाद में रिटर्न मिलेगा लेकिन ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल होगा कि ये कर्मचारी आपसे कितने लंबे समय तक जुड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पर आप उसकी एज के हिसाब से उसके रिटायरमेंट तक के बेनिफिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं और आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे इसकी फ्यूचर कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ेंगी लेकिन अगर किसी कारणवश किसी भी या बहुत सारे कारण हो सकते हैं आज के ज़माने में जब हम देखते हैं कि कर्मचारी जो हैं बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है बहुत ज़्यादा स्टेबल्स नहीं हैं और संगठनों को बहुत जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं अपने फ़ायदे और मुनाफों के लिए तो उस समय पर ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमें फ़ेस करने को मिलेंगे और दिस मेथड्स इग्नोर दी चेंज इन दी प्रोफेशन ऑफ एन एम्प्लॉई ड्यू टू दी एज एज वेल एज दी हेल्थ कई बारी हम इसको भी कंसिडर नहीं करते हैं कि हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो एम्प्लॉई है वो और बेहतर और बेहतर प्रदर्शन करेगा अपने कार्य का लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि बढ़ते समय में कर्मचारी की उम्र बढ़ेगी कर्मचारी की उम्र बढ़ने के साथ उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बहुत सारे समस्याएँ आ सकती हैं जो हो सकता है उसके पोटेंशियल को बढ़ाने की बजाय उसको थोड़ा और कम कर दे इसके बाद हमारा दूसरा जो मॉडल है उसको हम फ्लैम कुट्स रिवॉर्ड्स मॉडल के नाम से जानते हैं वैल्यूएशन मॉडल के नाम से जानते हैं ये जो मॉडल है ये प्रिजम्पन पे बेस्ड रहता है कि पर्सनल वैल्यू टू तो एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन दी पोजीशन ही होल्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान की कर्मचारी की जो वैल्यू है वो उस पर निर्धारित करती है कि वो किस पोजिशन को संगठन में होल्ड करता है सो दी फाइंड आउट दी एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई हाउ मच टाइम ही विल रिमेन ऑन दिस स्पेसिफिक पोजिशन वो उस पर्टिकुलर पोजिशन पर कितने समय तक कार्य करेगा अगर आप उसकी वैल्यूएशन को निकालना चाहते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये निर्धारित करना ज़रूरी होगा ये पता करना जरूरी होगा कि वो कर्मचारी आपकी उस पोजिशन पर कितने लंबे समय तक कार्य कर रहा है एस्टिमेटेड डी वैल्यू ड्राइव बाई दी ऑर्गेनाइजेशन वैन अ पर्सन होल्ड अ पर्टिकुलर पोजिशन एक पर्सन जो एक पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करता है तो उस पर क्या वैल्यू ड्राइव मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है आपको एस्टिमेट करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग ईच पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटस ऑफ दी स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम जो आपने उस पर इन्वेस्ट करना है और डिस्काउंट रेट को आप यहाँ पर फिर क्या करते हैं सर्विस रिवॉर्ड की तरीके से उसके प्रेजेंट वैल्यू पे आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं इस मॉडल में इस मॉडल की अगर हम मैरिट्स uh, को देखें तो हम कहते हैं दिस मैथड कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन करियर मूवमेंट एंड ऑफ हिज लीविंग दी ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू हिज रिटायरमेंट और डेथ ये विधि किसी व्यक्ति के uh, वाहक आंदोलन और उसकी सेवा सेवानी या मृत्यु से पहले संगठन छोड़ने की संभावना पर विचार करती है जैसे हमने प्रीवियस मॉडल में बात करी थी जिस पर हम बात नहीं कर रहे थे जिस पर हम चर्चा नहीं कर पा रहे थे कि अगर मान लीजिए किसी वजह से ये एम्प्लॉई अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें हम उसको नहीं कैलकुलेट कर रहे थे बस इस मैथड में हमने ये कैलकुलेट किया है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है अदर देन दी रीज़न डेथ या रिटायरमेंट uh, के अलावा तो क्या क्या चीज़ों का हमें कैलकुलेशन करना होगा दिस मॉडल कंबाइन्स बहुत मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी वाली वेरिएबल्स इसमें दोनों ही चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं आगे अगर हम इस मैरिट इस मैथड्स के डीमैरिट्स को देखें तो ये जो एक तरीका है ये महंगा है और ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि कोई कर्मचारी किसी संगठन में कितने समय तक रहेगा अगेन इसमें ये प्रॉब्लम आती है इसको समझने में कि कोई भी कर्मचारी किसी भी संगठन से कितने लंबे समय तक जुड़ा रहता है इसका व्यापन करना इसका इसका मूल्यांकन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा अब बात करते हैं नॉन मॉनिट्री मॉडल्स की जो आपके नॉन मॉनिट्री मॉडल्स हैं उसमें सबसे पहला है हमारा लाइकर्स कैजुअल इंटरवीनिंग एंड एंड रिजल्ट वेरिएबल मॉडल्स ये किसने दिया है लाइकर्ड ने दिया है रेंसेंस लाइकर्ड एंड डेविड जी बॉवर्स ऑफ यू के हैं ये इन्होंने ये मॉडल दिया था जो कि बिहेवियल वेरिएबल पे डिपेंड करता है इसमें तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कैजुअल वेरिएबल वेरिएबल एंड कोर्स ऑफ डेवलपमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो आपके ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजमेंट के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं वो डिटरमाइन करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है एज जो आपके इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं वो आपके इंटरनल स्टेट हेल्थ और परफॉर्मेंस केपेबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि कर्मचारी की लॉयल्टीज उसका एटीट्यूड उसका मोटिवेशन उसका परफॉर्मेंस गोल उसका परसेप्शन ताकि उनकी कलेक्टिव कैपेसिटी को आ, निकाला जा सके किस प्रकार से उनमें आपस में इंट्रैक्शन होगा कम्युनिकेशन होगा और वो किस प्रकार से एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और तीसरा हमारा इसमें एंड रिजल्ट वेरिएबल होता है जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं विच रिफ्लेक्ट द रिजल्ट अचीव बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्रोडक्टिविटी कॉस्ट स्क्रैप लॉस ग्रोथ शेयर मार्केट एंड अर्निंग्स तो हमारे तीन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से कैजुअल वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं क्या क्या चीज़ें हम अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं और उस कर्मचारियों को किस प्रकार से वो इस्तेमाल की जा रही हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स से और आपके जो एंड रिजल्ट है उससे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर बढ़ रहा है कि नहीं और जो स्क्रैप है और जो लॉस है उसमें रिडक्शन हो रहा है या नहीं इस मेथड की अगर हम मेरिट्स की बात करें तो ये जो मॉडल है वह बेस्ड होता है नॉन मॉनिट्री वेरिएबल्स पे इसमें हम मॉनिटरी वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं नॉन मॉनिट्री वैल्यूएबल्स पे निर्धारित रहता है और ये जो मॉडल है बहुत हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग में किस प्रकार से आपको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए संगठन में उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल मॉडल है इसके बाद अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज लेस इस मैथड में ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी कम है रिलायबिलिटी भी कम है और ये जो तरीका है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है महंगी विधि है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे मेथड्स की जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल बेस्ड मेथड हैं और स्टैटिस्टिकल बेस्ड मेथड जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती है और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है एज दे आर प्रेजेंटेड इन दी एनुअल रिपोर्ट ये स्टैटिस्टिक्स जो आपके कंपनी के द्वारा आपके संगठन के द्वारा जो एक एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें किस प्रकार से आपने अपने मानव संसाधन को वैल्यू किया है उसको आप यहाँ पर समझते हैं तो मंथली स्टैटिस्टिक्स आपकी जो होती है वो रिक्रूटमेंट कॉस्ट कितनी रही आपने उनके सेलेक्शन पे क्या खर्चा किया भर्ती पर उनकी ट्रेनिंग पे आपने क्या खर्चा किया उनकी अगर आपने कोई स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर आपने कंडक्ट कराए हैं तो उस पर आपका क्या खर्चा हुआ है वर्कर्स की एजुकेशन पे आपने क्या खर्चा किया है और आपके और अदर चीज़ें जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी अगर आप उनको मेडिकल की कोई सुविधा देते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स देते हैं या ट्रांसपोर्टेशन देते हैं कंपनी की कोई गाड़ी देते हैं घूमने के लिए अगर आप उनको आ, कोई खर्चा दे रहे हैं ट्रैवल uh, अलाउंसेज़ आप देते हैं रहने के लिए आप घर देते हैं तो ये सारे जितने भी खर्चे हैं उन सारी मंथली स्टैटिस्टिक्स को आप यहाँ पर स्टडी करते हैं फिर आपने टोटल ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट जो एनालाइज करते हैं उसको देखते हैं कि आपके पर्सनल ऑफिसर स्टाफ और वर्कमैन कितने हैं डिपार्टमेंट वाइज कितने लोग कितने डिपार्टमेंट हैं आपके किस किस कैटेगरी में आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं पीरियोडिकल चेंज कितना होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट में थोड़े थोड़े समय में आप क्या बदलाव लाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या हैं आपके सेपरेटली फॉर ऑफिसर्स स्टाफ एंड वर्कमैन अलग अलग कैटेगरीज को आप किस तरीके से अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं स्टेटमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट को अफिशेंट स्पेशली फॉर दी ऑफिसर्स स्टाफ एंड वर्कमैन आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको आप कैसे यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं रिलेटेड टू योर करेंट कॉस्ट टाइम रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस आपने कैसे निकाला है वो आप वहाँ पर प्रजेंट uh, करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल डेटा में स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस इंडेक्स आप शो करते हैं सेपरेटली फॉर दी ऑफिसर्स फॉर दी स्टाफ एज वेल एज फॉर दी वर्कमैन स्टेटमेंट ऑफ पर कैपिटा कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस इंडेक्स आप सेपरेटली शो करते हैं अपने ऑफिसर्स स्टाफ और वर्कमैनस के लिए एज वाइज सर्विस स्टेटस आप निकालते हैं उनका मॉनिटरी वैल्यू ऑफ सर्विस स्टैचूटरी आप कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑन एम्प्लॉय टर्न कितने लोग आपके यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उसके डेटा पे आप बात कर रहे हैं हर चीज का आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं डेटा निकाल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स आप निकाल रहे हैं ताकि आप पूर्ता कैलकुलेट कर सकें कि आपके संगठन में जितने भी कर्मचारी अलग अलग कैडर पे काम कर रहे हैं उन पे आपने किस प्रकार से खर्चा किया और किस प्रकार से अपने उन्होंने कार्य को किया है एनी अदर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग इन इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स uh, किस प्रकार से भारत में इसका uh, जो लेखांकन है वो किस प्रकार से किया जाता है तो अभी तक हमने कहा इन इंडिया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस सो फार एज अ सिस्टम अगर हम भारत की बात करें पर्टिकुलरली तो इंडिया में ये जो सिस्टम है अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो अभी भी वो अपने मानव संसाधन का लेखांकन नहीं करती हैं क्योंकि जो हमारी कंट्री में कंपनीज एक्ट है 1956 में जो हमारा कंपनीज़ एक्ट निर्धारित हुआ था वो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है कि कंपनीज़ को अपने ह्यूमन रिसोर्स का फिनंशियल स्टेटमेंट बना के तैयार करना है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो उन्होंने दिए हैं जिनको कि वो देखते हैं चेक करते हैं लेकिन ऐसा कोई ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने की कोई भी जानकारी कंपनीज एक्ट में नहीं दी गई है एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड एटीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारी कंट्री का चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है उसने ऐसे 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो बनाए हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास अभी नहीं है लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एप्लीकेबल हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स पे कंपनीज पे जो बारो करती हैं फंड्स को बैंक से चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर्स से करती हों उनकी ड्यूटी है चार्टेड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स के मेम्बर्स की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से प्रेजेंट करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और उनकी पूरी तरीके से ये ऑडिटिंग करवाएं ऑल दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ मेजरमेंट एंड डिस्कलोजर ऑफ़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो ये बहुत ज़रूरी होता है सभी संगठन के लिए कि वो अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से प्रेजेंट करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स में शो करें कि कि किस प्रकार से क्या क्या खर्चे वो अपने संगठनों में कर रहे हैं लेकिन अगर हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई निर्धारित मैथड नहीं है ना ही कोई इन्फोर्समेंट है लॉ के द्वारा जिसके द्वारा उनको ये बताना है या ये कैलकुलेट करना है कि वो अपने एम्प्लॉज पर अपने एसेट्स पे किस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं और उस खर्चे से उनको किस प्रकार से लाभ मिल रहा है इसके आगे हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हमें समस्याएं आती हैं रिपोर्ट करने में वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसमें सबसे पहला है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज़ शोन एज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट विच हैज़ नो सिग्निफिकेंस क्यों हमारे संगठन जो हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि इसको एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट किया जाता है ये जो ये जो गाइड है वो इसके लिए आपको एक एक दे रहे हैं तो ठीक है नहीं दे रहे हैं तो भी ठीक है तो कहीं ना कहीं इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है लोग इसको उस प्रकार से महत्व नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उस पर कार्य नहीं कर पाते हैं दो ह्यूमन कैपिटल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ अ वाइड स्प्रेड डिस रिगार्डिंग दी रिऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज अ एसेट जबकि हम सभी जानते हैं कि सारे ही संगठन के लिए मानव संसाधन एक बहुत ही बड़ा संसाधन है बहुत ही बड़ा रिसोर्स है और इस रिसोर्स के अगर ये रिसोर्स ना हो तो बाकी के हमारे जो रिसोर्स हैं वो किसी कार्य के नहीं हैं वो किसी काम के नहीं हैं क्योंकि यही एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी के सारे रिसोर्स को कारगर बनाता है तो उसका इम्पॉर्टेंस तो हम जानते हैं और धीरे धीरे वो वाइड स्प्रेड भी हो रहा है बढ़ भी रहा है लोग संगठन जो हैं वो अपने इम्प्लॉइज़ को असेट्स की तरह ट्रीट भी करने लगे हैं वैल्यू भी करने रखे हैं उनको रिओर्गेनाइज भी करने लगे हैं रिकोगगनाइज़ भी करने लगे हैं लेकिन फिर भी आप इस तरीके की काउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत हद तक कैलकुलेट नहीं करते हैं जहां पर आप ये कैलकुलेट करें कि आपके संगठन में आप एम्प्लॉयज की ऊपर क्या खर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके से आपके कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं और किस प्रकार इसका रिजल्ट मिल रहा है आपको प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू इज नॉट पॉसिबल अनलेस दी कॉस्ट ऑन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल आर कैपिटलाइज ओवर देयर इफेक्टिव सर्विस लाइफ तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर मैचिंग नहीं हो पाती है आप बेहतर तरीके से उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं पॉसिबल नहीं है कि रिक्रूटमेंट के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में किस प्रकार से आपने कर्मचारी के ऊपर खर्चा किया है और वो कर्मचारी उसके जो भी कार्यकाल उसने कार्य किया है अपने सर्विसेज दी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे उसमें वो कितना सफल रहा है तो ये कुछ समस्याएं आती हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिपोर्टिंग में और इन्हीं समस्याओं के चलते हुए जो संगठन हैं वो इस तरीके के कार्य को कम कर पा रही हैं और आज के दौर पे वो कम हमें देखने को मिलता है तो आज के अगर हम व्याख्यान के सोर्सेज की बात करें तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमने आज के व्याख्यान के कंटेंट को कवर किया है वो आपके समक्ष है और इसी के साथ हम आज का ये व्याख्यान ख़त्म करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू वेरी मच